कह रहा लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद रिलेशन, ये आर मतलब रिलेशन है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है, विद आर रिलेशन इन टी गिवन बाय, ये देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्या रिलेशन है, कह रहा है कि रिलेशन, सुनो कई बार हमने आपको बताया क्या, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ टी क्रॉस टी, ओके, क्यों, क्योंकि रिलेशन कौन से सेट पे, टी पे, और टी में दुनिया भर के सभी ट्राइंगल्स आते हैं स्टूडेंट्स, ये जो टी वाला सेट है इसमें दुनिया भर के सभी ट्राइंगल्स आते हैं, ठीक है, ट्राइंगल टी वन, ट्राइंगल टी टू, ट्राइंगल टी थ्री, चाहे वो इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है, तो ये बस विजुअलाइजेशन के लिए हमने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, और आर एक रिलेशन होगा जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, कैसे, टी वन टी टू टाइप के, और रिलेशन क्या है बच्चों, इस पे गौर किया करिए, आप रिलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करा करिए, रिलेशन क्या है, टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू टी टू, सुनो टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू टी टू, ये रिलेशन है, उसने आपको दे दिया है, बोल दिया है कि रिलेशन क्या लेके चलना है, टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू टी टू, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी कई बार बताया, कह रहा है शो दैट दिस रिलेशन, मतलब ये जो रिलेशन इन्होंने बताया है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ER का मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमको शो करना है, ठीक है भाई, अब इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमको सबसे पहले शो करना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, तो ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट, हमने क्या बोला था, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेट हो, देखो जरा जैसे कि यहां पर भी हम टी बनाएंगे और यहां पर भी हम टी वाला सेट बनाएंगे, ठीक है, इसमें टी वन टी टू टी थ्री ये सब ट्राइंगल्स आएंगे, इसमें टी वन टी टू टी थ्री ये सब ट्राइंगल्स आएंगे दुनिया भर के, अब आप ध्यान से देख करो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेट होगा, रिलेट होने का मतलब है रिलेशन को फॉलो करेगा, रिलेशन क्या है कि टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू टी टू, मतलब जो दो आप एलिमेंट ले रहे हो वो आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रेंट, और भैया हमको पता है क्या, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, कुछ चेक कर लीजिए क्या, कि अगर हमने टी वन लिया और T1 को अगर हमने T1 के साथ लिया, मतलब दो ट्राइंगल हैं, देखो ये रहा T1 और यही रहा T1, तो क्या T1 T1 के कॉन्ग्रेंट नहीं है, बिल्कुल है, यानी कि T1, T1 belongs to what relation, ठीक, T1, T1 belong to relation, इसका मतलब समझते हो कि this is congruent to this, पहला वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दूसरा वाला, ठीक, और हर ट्राइंगल अपने आप का ही क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है, तो बस हमको रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या लिख देना है, यहाँ पे सिंपली से हमको एक लाइन लिख देनी है, तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था क्या, हम लिखेंगे since every triangle is congruent to itself, hence it is a रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, जो लोग नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं और ध्यान से देख लो यार, अगर तुम कोई दूसरा ट्राइंगल T2 ले रहे हो, ठीक है, तो T2 के साथ अगर तुम T2 लोगे तो T2 इज कॉन्ग्रेंट टू, दोनों के रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रेंट, सेटिस्फाई तो कर रहा है, इसका मतलब T2 कॉमा T2 ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन, मतलब एवरी सेट ऑफ T का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, और रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रेंट, हर ट्राइंगल अपने आपके कॉन्ग्रेंट होता है, तो ये वाली लाइन बस हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका क्या, सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, हेंस दिस रिलेशन इज, hence this relation is reflexive, चलो भाई बहुत बड़ी, इसमें लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना, बार बार आप, मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी को पढ़ा करिए उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एग्जाम में लिखना क्या है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्वालिफाई हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है, देखो बच्चों सिमेट्रिक में मैंने आपको बोला था, जब भी आपको कुछ सिमेट्रिक दिखाना होगा तो मैंने आपको बोला था क्या, कि ऐसा आपको रिलेशन में अगर दिया है तो इसकी हेल्प से आप ऐसा लाने की कोशिश करो, क्या मैंने बोला था, मैंने तो हम कुछ प्रूफ टाइप का करेंगे, हमने आपको बोला था, ठीक, तो ऐसा ये है अगर, और उसकी हेल्प से अगर ऐसा हो गया तो वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक, तो सुनो, लेट अस अज्यूम कि हम दो ट्राइंगल लेते हैं, लेट अस टेक टू ट्राइंगल्स टी वन टी टू, मतलब हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, कौन से सेट में से, आर में से, रिलेशन में से हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, और ये ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग करता है, आर को, भी हमने बोला क्योंकि इसी सेट में से हमने इसको लिया, तो लेट टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, सुनो अब मैं बोलूंगा और लिखूंगा और आप समझना, टी वन कॉमा टी टू बिलोंग्स टू आर का मतलब है भैया सुनो, अगर ऐसा हो जाए और इसकी हेल्प से अगर ऐसा हो जाए तो वो सिमेट्रिक होगा, हमने पहले ही बोल दिया, देखो ये तुम लेके चल सकते हो भाई मेरे, ये तुम लेके चल सकते हो, क्योंकि देखो जो रिलेशन वाला सेट है उसमें कोई तो ऑर्डर पेयर ऐसा होगा ना कि दो ट्राइंगल्स में टी वन टी टू ऐसे होंगे जो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, वैसे तो उन्होंने बोल रखा है रिलेशन में ऐसे ही ट्राइंगल्स आते हैं जो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट, तो हमने मान लिया क्या कि टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर, अब इसका मतलब क्या है, सुनो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज, क्यों लगाया मैंने भैया, सुन लो हर बात का यहाँ मतलब है,
दिस सिंप्लाइज का मतलब है कि ये जो हमने लिखा है इसका ये मतलब है. क्या मतलब है? T1 is congruent, T1 is congruent to T2. ट्राइंगल T1 T2 के क्या है? कॉन्ग्रेंट है. अब सुनो, एक डायग्राम बना लो यहाँ, चलो अपने समझने के लिए. ये रहा T1, ये रहा T2. भैया सुनो, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो ये इस बात को बताता है, पूरी दुनिया को पता है, हम 9th-10th में पढ़ के आ चुके हैं कि T2 भी T1 के क्या होगा? कॉन्ग्रेंट. तो हम फिर से लिखेंगे आगे क्या, कि दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज मतलब ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है. क्या बताता है? T2 is एग्जाम में करने का तरीका है, T2 is congruent to T1. अब इतना लिख दिया. अब सुनो, T2 is congruent to T1 आ गया. क्या लेके चले थे? T1 is congruent to T2 ये लेके चले थे, और उसकी हेल्प से T2 is congruent to T1 आ गया. अब भैया सुनो, अगर T2 is congruent to T1 आ गया तो T2, T1 belongs to क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा कि नहीं? सुनो यार, कुछ बच्चे यही नहीं फील कर पाते हैं कि जब T2 is congruent to T1 हो गया तो ये कैसे लिख दिया गया, T2, T1 belongs to relation. बच्चों ये इसलिए लिख दिया गया कि जो रिलेशन दिया हुआ था उस रिलेशन में वो कहता था कि पहला एलिमेंट इज congruent टू वॉट? दूसरा एलिमेंट. पहला एलिमेंट इज congruent टू वॉट? मतलब एलिमेंट तो नहीं, ऑर्डर्ड पेयर का पहला पार्ट इज congruent टू दूसरा पार्ट, ये उन्होंने बोला था. और अभी अभी हमने देखा क्या कि T2 is congruent to T1 आ गया. इसका मतलब T2, T1 belong करेगा किसको? R को. पहला is congruent to दूसरा आ गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला ordered pair भी किसको belong करेगा? Relation को. अब समझ में आई बात? तो यहां से अब हम लिखेंगे, यानी जो लैंग्वेज है ये हमको ये बताती है कि T2, T1 भी belong कर सकता है किसको? रिलेशन वाले सेट को. अब सुनो, तुम लेके क्या चले थे? ध्यान से चेक करो, तुम ले के चले थे क्या? अब हम फाइनली एक आंसर लिख सकते हैं, लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं. हेंस तुम ले के चले थे T1, T2 belongs to relation, और दिस इंप्लाइज मतलब इसी ने इंप्लाई कर दिया, इसी ने बताते बताते ये ले आया. क्या ले आया? कि T2, T1 also belongs to R. और बच्चों यही तो डेफिनेशन है किसकी? सिमेट्रिक की, कि A, B belongs to R हो, A, B belongs to R हो, और ये इंप्लाई कर दे कि मतलब इसी की हेल्प से ऐसा आ जाए क्या कि B, A भी रिलेशन को बिलोंग करता है. ठीक है, जहां पर T1, T2 किसको बिलोंग करेंगे? सेट T को, क्योंकि रिलेशन कौन से पे? सेट T पे. ठीक है, क्योंकि T सभी ट्राइंगल्स का सेट है, ऑल द ट्राइंगल्स का सेट है. ठीक है, तो ये ऐसा आ गया, बस खत्म कहानी. देयरफॉर द रिलेशन इज द, ये रिलेशन इज द, रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज सिमेट्रिक. ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया. ऐसे ही एग्जाम में बच्चों लिखेंगे हम. ठीक है, अब तीसरा है, तीसरे में हमको क्या करना है? इसको हमको ट्रांजिटिव भी दिखाना है. अगर हम इसको ट्रांजिटिव भी दिखा ले गए, इस रिलेशन को अगर हम ट्रांजिटिव भी दिखा ले गए, ठीक है बच्चों, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. ठीक, बात यहां समझने की नहीं है, समझ तो बच्चों को दो मिनट आता है, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वहां लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, और लैंग्वेज को लिखने का तरीका क्या है, इसमें आपको फील बहुत करना है. ठीक है, तो आप फील करते चलिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं. चलो अब देखो, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके बच्चों, अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि अगर ऐसा होता हो, मतलब A, B belongs to relation होता हो, एंड ऐसा भी होता हो कि B, C belongs to relation होता हो, अगर ऐसा होता हो और ऐसा होता हो और इसकी हेल्प से अगर ऐसा हो जाए, ये मैंने बोला था आपको, अगर ऐसा होता है और ऐसा होता है और इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए कि A, B belongs to R होता हो, ये है, या तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो आप मान के चलोगे. ठीक, B, C belongs to R है, A, B belongs to R है, ये दिया है रहता भैया, इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए कि A, C belongs to R, तब हम बोलते हैं कि रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है. तो सुनो, ये रिलेशन जो था हमारा कौन से सेट पे था? रिलेशन ऑन सेट T. अब इस सेट T में बहुत सारे ट्राइंगल्स आते हैं, इसका यार मीनिंग तो समझो भैया कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ T क्रॉस T. इस T क्रॉस T के ही ऑर्डर बहुत सारे कुछ ऑर्डर पेयर निकाल के हमने रिलेशन बनाया होगा, और इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर आते होंगे, मतलब ऐसे ट्राइंगल्स आते होंगे जो आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है. ठीक, क्योंकि रिलेशन ही क्या है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है. तो सुनो, हमने क्या किया, इस ट्राइंगल T वाले सेट में बहुत सारे ट्राइंगल आते होंगे, T1, T2, T3, T4, हमको नहीं पता. ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम लेके चल रहे हैं. चलो हम मान रहे हैं कि हमारे पास तीन ट्राइंगल है. ठीक, हम मान रहे हैं कि हमारे पास तीन ट्राइंगल हैं, T1, T2 और T3. ठीक है, तो लेट वी टेक थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट T,
थ्री ट्राइंगल्स टी वन टी टू टी थ्री। अब सुनो सुनो, लेट टी वन, लेट टी वन कॉमा टी टू बिलोंग्स टू रिलेशन। ध्यान से देखना मैं लैंग्वेज कैसे लिख रहा हूँ, उसमें सब लैंग्वेज का गेम है, ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ, थोड़ा सावधानी रखिएगा, जगह मुझको इसके लिए चाहिए होगी, ठीक है। तो लेट लेट टी वन कॉमा टी टू बिलोंग्स टू रिलेशन एंड एंड, अब देखो जरा, ए कॉमा बी होता था तो बी कॉमा सी होता था, मतलब जहाँ से एंड हुआ है वहीं से तुमको लेना है एंड, तो यहाँ पे टी टू पे एंड हुआ है तो टी टू कॉमा टी थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन। अब मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा तुम मान के चल गए हो, ठीक, और इस बात का नीचे मतलब लिखो, फिर एंड लगाओ, फिर इस बात का नीचे मतलब लिखो और लिखते जाओ, लिखते जाओ और चेक करो क्या ऐसा आ रहा है। देखो, दिस इंप्लाइज टी वन टी टू बिलोंग्स टू रिलेशन, तुमने बोल दिया, और रिलेशन क्या था कि दो ट्राइंगल, मतलब पहला वाला इस कॉन्ग्रेंट टू दूसरा वाला, तो उसका मतलब यही तो कि भैया ये वाला अगर ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन वाले सेट को बिलोंग करता है, टी वन कॉन्ग्रेंट टी टू हो जाएगा पक्का। तो दिस इंप्लाइज वॉट, टी वन इज ट्राइंगल टी वन इज ट्राइंगल टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टी टू, इस बात का ही मतलब है। अब एंड लगा है तो बीच में तुम भी एंड लगा दो, फिर टी टू टी थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन, तुमने बोल दिया कि ये दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट रिलेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। कंडीशन क्या थी कि पहला वाला इस कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, दूसरा वाला, तो उसका क्या मतलब है कि ट्राइंगल टी टू इज कॉन्ग्रेंट टू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टी थ्री, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है कि टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू टी टू एंड टी टू इज कॉन्ग्रेंट टू टी थ्री, इसका डायग्राम बना के देखो, ये टी वन है और ये टी टू है और ये टी थ्री है। भैया T1 अगर T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 अगर T3 के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, एंड लगा हुआ, ये पार्ट भी ट्रू है और ये पार्ट भी ट्रू है, ठीक है, T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस इंप्लाइज व्हाट, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, ये पूरी दुनिया को पता है, हम 9th 10th में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसका मतलब T1 अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट था ये इसके, तो इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, T3। अब सुनो सुनो भाई, अगर T1 कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, T3 के, अगर T1 कॉन्ग्रेंट हो गया T3 के, तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज T1 कॉमा T3 भैया पहला दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये वाला ऑर्डर पेयर क्या रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो आप लेके क्या चले थे, आप A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R लेके चले थे, A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R लेके चले थे, और उसकी हेल्प से करते करते आपका आ क्या गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आ गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आर हो गया, ठीक है, हेंस बस खत्म कहानी, हेंस द रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, या द रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, जो भी आपको अंग्रेजी अपनी देख लेना जो भी, ठीक है, द रिलेशन दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो आपने इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, आपने इसको सिमेट्रिक भी दिखा दिया, आपने इसको ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, लिखने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया, कैसे कैसे प्रूफ करते हैं मैंने आपको स्टाइल भी बता दिया। अब लास्ट में हमको एक लाइन लिख देनी है, वो आप खुद लिखिएगा, सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हेंस प्रूव्ड।